मैं निकला ओ गड्डी लेके, बीच में एडम सासा क्यों आया? अबे ये ट्रक लेके सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? सासा वो नई फैक्ट्री बनी ना, वहाँ पे जा रहा है। सही पकड़े से सुअर भैया, और एडम सासा आपका मोहब्बत पान बहुत मशहूर है। एक पान की दुकान फैक्ट्री पर भी लगा दो, अच्छा धंधा चलेगा तुम्हारा। चलो एडम सासा मैं चलता हूँ, मुझे फैक्ट्री पे रेत खाली करने जाना से, और फिर ग्रैंड मास्टर की मजदूरी भी करनी से। अरे मैं निकला ओ गड्डी ले के। एडम सासा गरीना दीदी को बोल के हमारा बिजनेस फैक्ट्री पर भी लगा दो। रुक अभी गरीना दीदी को फोन लगाता हूँ। हेलो गरीना दीदी, एडम बोल रहा हूँ। हाँ एडम, गिव अवे तो खत्म हो गया, कल आना। हाँ अरे गिव अवे नहीं चाहिए, मुझे आपकी नई फैक्ट्री पर अपनी पान की दुकान लगानी है। वो तो नहीं हो सकता है। अरे एडम बोल रहा हूँ, मेरे पे बड़े बड़े यूट्यूबर का धंधा चलता है, फिर से सोच लो। अरे एडम चाचा, आपको थोड़ी मना कर सकते है, एक क्या आप 10 दुकान लगाओ। चलो अब बड़े बड़े बिजनेस मैन से दुकान का प्रमोशन करवाऊंगा। पान बना रस वाला, एक पान खुला ही दो। उधार बंद है कोबड़े, रोकड़ा दे। अब ये बोलेगा बटवा तो मैं घर पे भूल गया। नहीं बाबू मोसाय, बटवा तो है पर पैसा घर पे भूल गया। पान बना रस वाला, एक काम करो, तुम कोबड़ा ना गो तो फुस फुस करके हमारी दुकान साफ कर दो, तो हम फ्री में पान खिलाएंगे तुमको। अरे वो सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए क्या? हाँ सासा, आपने जितने भी लोगों को बोला है वो सब आ गए हैं। अरे एडम कब खिलाने वाला है हमें हिप हॉप के वड़ा पाव, इसीलिए तो हम आए इधर। हाँ हाँ सही कहा भाई लोग। अरे बस जैसे ही फैक्ट्री का ओपनिंग होगा पहली प्लेट आपको ही मिलेगी। मेरे को हिप हॉप का स्पेशल चटपटा वड़ा पाव चाहिए। अरे हाँ मिल जाएगा, बस आप लोग मेरी दुकान का प्रमोशन कर दीजिएगा। अरे वाह, ये कोबरा बंडल तो स्प्रे की तरह काम कर रहा है। ये बाबू मोसाय, ये मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एडम सासा, मेरे को बिजनेसमैन के साथ फोटो खिंचवानी है, फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस डालूंगा। सरकार तो शादी अपनी है। अरे कल तूने वो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था जिगरी यार, मेरे खास यार, उसमें तूने पर्पल क्रिमिनल को टैग नहीं किया था, आज उसे कर देना। अरे ये सिर्फ प्रो प्लेयर को ही टैग करता है भाई, हम जैसे नुबड़े को नहीं करता है। हां कल वो जिगरी यार वाला स्टेटस डाला था तूने, उसने मुझे टैग क्यों नहीं किया? अब मैं भी तुझे मेरी इंस्टा की स्टोरी पे टैग नहीं करूंगा। अरे तू थोड़ी मेरा यार है जो तुझे मैं टैग करूंगा, तू तो मेरा भाई है। अरे बाबा मैं तो तुझे हरामी मानुष समझा था, पर तू तो देव मानुष निकला। अरे बाबा रो मत, कल मैं तेरे लिए स्पेशल स्टोरी डालूंगा, पगड़े तू मेरा भाई है और मैं उसमें तुझे टैग करूंगा, सिर्फ तुझे, तू मेरा रियल फ्रेंड है यार। अरे क्या क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये देखो फैक्ट्री को अब से लोग आदमदा ढाबा बोलेंगे, यहाँ पे हमने सारी दुकानें लगा दी है। ये देखो फ्रूट की दुकान है, फिर बाजू में गोलगप्पे है, और ये है हमारी मेन दुकान मोहब्बत का पान, जिसमें मैं खुद बैठूंगा। अरे एडम इतनी सारी दुकानें हैं पर उतने लोग तो नहीं है तेरे पास। अरे ये छोले भटूरे हिप हॉप संभालेगा और मदन डेरी रेड क्रिमिनल संभालेगा, बाकी मैं सबके साथ कलेक्शन वसीस करता रहता हूँ, जो आएगा उसे मैं अपने ढाबे पे काम पे रख लूंगा। वाह एडम क्या सोच है तेरी, मानना पड़ेगा। आई दीदी, आप यहाँ एडम चाचा के यहाँ क्या करने आई हो? अरे मैं तो यहाँ फैक्ट्री के ओपनिंग में आई हूँ, और खास करके तो हिप हॉप के वड़ा पाव खाने। ओ भाई देखो कोई लड़की आई है इधर। अरे ये तो सकुड़ी है। सुनो भाई लोग, सकुड़ी मेरी है, सिर्फ मेरी। चलो आप बताइए कितना भाड़ा हुआ। अरे नहीं नहीं, आपसे क्या पैसा लूँ, आप तो अपने हैं। नहीं भैया, आपको भाड़ा तो लेना ही पड़ेगा। अब तुमने हमको भैया बोल दिया तो निकाल 500 रुपए। देखो भैया मैंने आपको गूगल पे कर दिया। अरे आइए आइए सकुड़ी जी, आप हमारे यहाँ आई डिड़ गार्डन गार्डन हो गया। अरे बाबू मोसाय, पर यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन है। अरे सकुड़ी जी आप मेरी बाबू बन जाओ, आपको स्पेशल इनविटेशन मिलेगा। नहीं नहीं, मैंने पहले इनको बाबू मोसाय बोला, इसलिए ये पहले मेरी बाबू बनेगी। सकुड़ी जी आप ही बताओ आप किसके बाबू बनोगे? अरे मैं तो तुम दोनों में से किसी की भी बाबू नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा पहले से ही बाबू है। मेरे सारे अनमानों पे पानी फेर दिया, अभी एडम सासा को बताता हूँ तू बिना इनविटेशन के आई है। अरे कोई नहीं सकुरी जी, आज से मैं आपका छोटा भाई और आप मेरी दीदी, यू आई डी भेजो, हम दोनों साथ में फ्री फायर खेलेंगे। सारे अभी तो बाबू बाबू कर रहा था और अभी सीधा दीदी। अरे ये इनकी वो वाली निंजा टेक्निक है। अच्छा बाबू नहीं बनी तो दीदी बनाओगे, और फिर कहोगे दीदी अपने छोटे भाई के लिए एक बाबू ढूंढ दो, तो ही पकड़े है। सारा तुम जैसे सांपों को तो वन टैप मार
देना चाहिए। ककुरी जी, ये पार्टी सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के लिए ही है। हाँ, मेरा बाबू भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, फिर बुलाइए आपके बाबू को, हम भी देखते हैं आपका बाबू क्या चीज है। हेलो, चाय, जलेबी, थेपला, फाफड़ा, गाठिया। छोटू, मेरी एक चाय बना तो। जी सब जी, अभी बनाता हूँ मसालेदार चाय अदरक डाल के। छोटू, मेरे लिए एक थेपले तो बना, क्ला मेरा थेपला खा गया। अरे बाबू का कॉल आ गया, लगता है मुझे क्लॉक टावर जाना पड़ेगा। अरे आलोक साहब, थोड़ी देर अपनी गाड़ी दे सकते हो, मुझे अपने बाबू को शॉपिंग पर लेके जाना है। अरे तारी बाबू के लिए तो कुछ भी। आलोक साहब, बस मेरे ठेले का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। दूसरों की गाड़ी उड़ाने का तो मजा ही अलग है। अरे सकुरी जी, ये आपका बाबू है क्या? हाँ, यही है मेरा ब्यूटीफुल सोना बाबू। क्या आदम, तूने मेरे जैसे बड़े बिजनेसमैन को नहीं बुलाया, भूल गया क्या? अरे इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो डीजे आलोक की गाड़ी क्यों लेकर आया? अबे डीजे आलोक तो हमारा रिलेटिव है, वो मेरे फूफे के मौसी के ताऊ के काम वाले का लड़का है। अरे ये सकुरा तो MBBS कॉफी वाला है, हमारी बिरादरी का। हाँ, मेरे को MBBS कॉफी वाला बोलते है। अच्छा, तो तूने MBBS किया है, जरा डॉक्टर का स्पेलिंग बता तो। वो DOKKTTR। गलत, साला झूठ बोलता है। अरे MBBS यानी मेंबर ऑफ बैक बेंचर। ऐसे तो एडम सासा भी MBBS हुए, लीडर ऑफ बैक बेंचर। अरे ये बड़ी बड़ी फेंक रहा है, एक तो आलोक की गाड़ी मांग कर आया है। अबे दम है तो कर ले मेरे साथ कलेक्शन वर्सेस, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। और सुन एडम, जो हारेगा उसे नाला सुपारा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगानी पड़ेगी। तो चल अब दिखा तेरा कलेक्शन। तो ये देख, गोल्डन लेम्बोर्गिनी है तेरे पास। अरे सकुड़ा, हमारे पास भी है ये वाली कार। ये तो गलती से आ गई होगी, चल अब ये गोल्डन जीप दिखा। क्या बोला, गलती से आ गई होगी, ये देख हमारे पास भी है जीप। अच्छा वो सब छोड़, एंडेवर दिखा तो मैं मानूं। ओ चाचा, ओ सकुड़ी वाले चाचा। अरे ये भी है तेरे पास, चल अब ये देख, कोबरा बाइक प्रो मैक्स है तेरे पास। अरे हमारे पास भी है कोबरा बाइक प्रो मैक्स। सकुड़ा कोई अच्छी सी चीज ला, ये बच्चों वाली मत दिखा। तो ये देख, स्पेशल एडिशन फ्लाइंग बाइक। अरे क्या हुआ, आडम डर के भाग गया क्या नूब कहीं का? अरे ओ सकुड़ी वाले चाचा, एक बार ऊपर तो देखो बेटा, हमारे पास तो तुम्हारे पहले से था ये फ्लाइंग बाइक। ये देख, मॉन्स्टर ट्रक की सबसे रेयर स्किन, ये है तेरे पास? अरे सासा, ये वाली मॉन्स्टर ट्रक की स्किन तो मैंने कब की संभाल कर रख दी थी। और अब जो आगे तू टैंक की स्किन दिखाने वाला है ना, वो भी है हमारे पास। और अब जो तू तेरी सबसे रेयर प्लेन की स्किन दिखाने वाला है ना, वो देख, ब्लू क्रिमिनल लेके कब का आ गया है। चल अब मैं तुझे दिखाता हूँ सबसे रेयर कार। अरे ये कार तो मैंने पहली बार देखी, ये तो किसी के पास नहीं होगी। तो चलो अब शर्त के मुताबिक तुम्हें नाला सुपारा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलान लगानी पड़ेगी। अरे यार, ये आडम से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अरे ये तो बहुत ऊंची है, मेरे से नहीं होगा। अरे आदम, पहले तुम वहाँ तक चल के दिखाओ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये देखो तुम लोग बहुत डरते हो। हे भगवान, सकुरी को इम्प्रेस करने के चक्कर में जैसे तैसे आ तो गया, अब वापस कैसे जाऊंगा? हे भगवान, मुझे सही सलामत वापस पहुँचा दो, मैं आपको 500 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अरे वाह भगवान, पहुंचा दिया। वैसे 500 किलो लड्डू तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ा सकता हूँ। अरे ठीक है भगवान, 50 किलो चढ़ा दूंगा। अरे नहीं, 500 किलो चढ़ा दूंगा, पक्का चढ़ा दूंगा भगवान। चलो फाइनली बच गया, वरना लॉबी में चला जाता। चलो बाबू, अब आप भी मेरे साथ नीचे कूदोगी? नहीं बाबू, मैं नहीं कूदूंगी, आप जाओ। बाबू आपने तो कहा था आप पूरी जिंदगी मेरा साथ दोगी। पर बाबू मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। वाह बाबू, दिखा दीना अपनी औकात, बेवफा सकुड़ी, तूने मुझको पागल ही कर दिया। ओए बाबू सोना, अपना नाटक बंद करो, चलो अब तुम दोनों कूदोगे यहाँ से। बोल सोली बाबू, मैंने आपको बेवफा बोला, मैं तो बहुत गंदा आदमी हूँ ना? नहीं बाबू, तुम तो सबसे ब्यूटीफुल आदमी हो। ओ बाबू, आई एम सोली। अब लगता है तुम दोनों बाबू सोना वन टेप खा कर ही मानोगे।
अरे बाबू, वैसे आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं बाबू, मुझे तो डर नहीं लग रहा है, पर एक बात सुनकर आपको जरूर डर लगेगा। अरे बाबू, क्या बात है, सुनाओ सुनाओ। अरे बाबू, वैसे घबराने की बात नहीं है, मैंने तो बस आपका पैराशूट ले लिया है। अरे बाबू, अब मेरा क्या होगा, आप तो मेरा काट के चली गई। अरे शकुरे, तेरा चाचा अभी जिंदा है, तुझे कुछ नहीं होगा। और अब मैं तुझे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, कल मैं फ्री डायमंड का गिव अवे करने वाला हूँ, आ जाना। तो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक मारो, और अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, क्या पता अगला वीडियो आपको पसंद आ जाए। और एक इम्पोर्टेंट बात गाइस, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है, तो प्लीज ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।